प्रीपेड मीटर का जाप नेताओं ने किया विरोध, कहा बड़े बिजली दर को वापस ले सरकार। पटना सिटी जन अधिकार पार्टी के नेता व पूर्व सांसद जब से जेल में बंद है तब से उनकी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का किसी न किसी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में आज जाप के पूर्वी जिलाध्यक्ष सच्चिदानंद यादव व सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष भानु यादव के नेतृत्व में खेमनी चक में बिहार में बड़े बिजली दर और नए प्रीपेड मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही सरकार से यह मांग भी की गई कि बिहार में सभी राज्यों से ज्यादा बिजली दर उपभोक्ता से लिया जा रहा है, उसको अविलंब सरकार वापस ले और जो नया प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है उसे तत्काल वापस ले, अन्यथा आने वाले समय में जन अधिकार पार्टी के नेता और भी जोरदार प्रदर्शन करेंगे। देखिए, सबसे पहले आवेदन करके अभी जो हम ये जब से एनडीए की गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने कभी नोटबंदी कर करके जनता का समर्थन तोड़ दिया, फिर जीएसटी ले आया, इसके बाद बिहार में बिजली पैदा होता है, बिहार में बिजली महंगी है, बिहार में सस्ती होनी चाहिए, बिहार से बिजली दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है और यहाँ पर प्रीपेड मीटर लगाया जाता है। प्रीपेड मीटर का मतलब ये हो गया कि आधी रात को आप सोए हैं तो बिजली गायब हो गया, खाना खा रहे हैं तो लाइट बंद हो गया, बच्चे पढ़ रहे हैं तो लाइट बंद हो गया, बाथरूम में है तो पानी बंद हो गया, मोटर बंद हो गया, ये तमाम तरह से परेशानी। इसके बावजूद रिचार्ज करने के बाद दो घंटे के बाद बिजली आती है, इसका मतलब होता है कि ये फेल्योर है, इसको लेनी है तो तुरंत जो है गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए, जिससे कि आम आवाम, ये कोई लंदन ब्रिटेन नहीं हो चुकी है, ठीक है, ये जो है हमारा मतलब किसानों का देश है, युवाओं का देश है, अभी गरीब देश है, गरीब राज्य है, यहाँ पे प्रीपेड मीटर नहीं चल सकता है, यहाँ बिजली के कारण कुटीर उद्योग बंद हो जाते हैं। मांग ये है कि प्रीपेड मीटर को कल लगाना बंद करें और जैसे चल रहा था उसे चलने दो और बिजली दर जो है यहाँ पे कम होनी चाहिए। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।